हेलो मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनफिनाइट रिशा। मैं हूँ रिशानी और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बनाना पाउडर DIY। और ये तीन प्रोडक्ट्स आपको चाहिए एंड यू कैन मेक योर ओन बनाना पाउडर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है सैंडलवुड पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर टैल्कम पाउडर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बनाना पाउडर क्या है अगर आपको नहीं पता है, ये एक टिंटेड पाउडर है जो कि बेकिंग के लिए यूज़ होता है अपने फेस पे और क्रीज नहीं होता है आपके फाउंडेशन एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो अभी मैंने ले लिया है ये टैल्कम पाउडर में 1 टेबल स्पून, उससे थोड़ा सा कम है सैंडलवुड पाउडर, एंड 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर का जो क्वान्टिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ येलोइश टोन बनाना पाउडर में, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मेरे फेस में पिगमेंटेशन है थोड़ा सा, इसलिए उसको कहीं हद तक कवर कर देता है ये बनाना पाउडर। इसीलिए तो मैं ये अभी मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये येलोइश टोन में आना शुरू कर दिया है। मैंने जो टैल्कम पाउडर यूज़ किया है यहाँ पे वो है पॉन्ड्स का, और टर्मरिक पाउडर एंड सैंडलवुड पाउडर वो है एल्प्स गुडनेस का, जो मैंने ख़रीदा था purple.com से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किया है वही प्रोडक्ट आप ख़रीदें और वही ब्रांड का आप यूज़ करें। आप कोई भी आपके पसंद का यूज़ कर सकते हैं या फिर घर में जो भी अवेलेबल है आप उसी से यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून और मैं टर्मरिक पाउडर ले रही हूँ, थोड़ा सा और टिंट देने के लिए, येलो टिंट देने के लिए। मतलब ऑल टोटल मैंने 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। ये एक अफोर्डेबल, विदाउट आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ा, कोई भी बनाना पाउडर जो बाज़ार में है आपको मिलता है, जो ऑनलाइन में मिलता है, बहुत ही कॉस्टली होता है अच्छा जो बनाना पाउडर्स है। तो आप इजीली घर में चाहे तो ये बना सकते हैं एंड बहुत ही इजी प्रोसेस है, एंड इसको आप बहुत टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं अभी मिक्स करने के बाद इसको मैं अभी फ़िल्टर कर लूँगी अच्छा से। तो इसको छान लेना है ताकि कोई भी हार्ड जो पार्टिकल्स है वो ना रहे इसमें। तो पाउडर रेडी हो चुका है और आप कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं इसको स्टोर करने के लिए। तो मैंने ये कंटेनर यूज़ किया है, और नहीं तो आप ऐसे पाउडर का जो कंटेनर आता है सबके घर में ये है अवेलेबल आई थिंक, और ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको स्टोर करने के लिए। और अभी मैंने एक ब्रश ले लिया है, उसके हेल्प से मैं अपने हैंड पे जो बनाना पाउडर है वो मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं ये इजीली ब्लेंड हो जा रहा है, और अभी मैं अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक स्पंज, तो स्पंज के हेल्प से मैं अपने अंडर आई एरिया में ये बनाना पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, जस्ट अप्लाई कर रही हूँ। और अभी आप मेकअप से, मतलब आई मेकअप से पहले ये बनाना पाउडर अगर आईज़ के नीचे आप अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका आई शेडो का कोई भी फॉल आउट होता है तो वो ये पाउडर के ऊपर गिरने से आप बाद में उसको क्लीन भी कर सकते हैं। एक हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट देता है क्योंकि इसमें जो येलो टोन मैंने डाला है इसके लिए ये एक बहुत अच्छा हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट देता है। और सैंडलवुड पाउडर में भी थोड़ा सा येलो टोन होता है, इसीलिए बहुत अच्छा से ये पॉप आउट होता है ये कलर। जहाँ जहाँ आपको लगता है हाईलाइट करना है आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको। मैं जस्ट बेकिंग कर रही हूँ अपने फेस को, एंड उसके बाद थोड़े देर रखने के बाद आप एक फ्लफी ब्रश लेके आप अपने फेस से ये डस्ट ऑफ कर सकते हैं।
तो आज का DIY अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये एकदम मुफ्त है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ रिशानी। आप पहले मेरे वीडियोस देख लीजिए और अगर आपको पसंद होता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब जब वीडियोस डालू आपके पास वो नोटिफिकेशन जा सके और आप वो वीडियो पहले ही देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।